गमछवा लिया अखिलेश यादव वाला। अरे नहीं पैसा खरीदे भैया 100 रुपया लगा के। अच्छा पैसा है कलोनी मिला ना राशन मिला था ना भैया लचरिंग मिला तो रोटी देश को मोदी और प्रदेश को योगी की जरूरत है। अब मिला चाहे भाड़ में सब जाए। अब ये सुने भैया हाँ अभी हम मौजूद हैं पालथी बाजार में जो दीदारगंज विधानसभा के अंतर्गत आता है और यहाँ से विधायक थे सुखदेव राजभर जी जिनकी मृत्यु हो गई है और अभी आगे चुनाव इसलिए यहाँ पे चुनाव नहीं हुआ। यहाँ के कुछ लोग हैं ये पालथी बाजार में, इनसे हम बात करेंगे आखिर ये लोग सरकार से संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं, 2022 में परिवर्तन चाहते हैं या फिर से योगी जी। बोलिए इस बार फिर से योगी जी मोदी जी आएंगे, वो लोग धर्म के बारे में अति सोचते हैं। तो क्या लगता है आपको अगर हम हिंदुत्व की बात करें धर्म की बात करें तो क्या वही विकास है? हाँ, और भी चीज है विकास में देश में, और भी चीजें हैं, शिक्षा है, रोजगार है, महंगाई को लेकर अगर हम बात करें तो महंगाई काफी ज्यादा है ये लोग कह रहे हैं। महंगाई तो मान लो बढ़ ही रहा है जो बढ़ रहा है, मगर हमारे धर्म के बारे में बहुत ज्यादा सुन रहे हैं, ऐसे कोई सरकार नहीं आई है जो धर्म के बारे में सोचे, और जितने भी क्रिमिनल थे अभी इस समय सब जेल में ऐश कर रहे हैं। चाचा जी बोलिए। नहीं चाचा नहीं बोलेंगे। नहीं अभी आप बोल रहे थे, बोलिए हम आपसे सवाल कर रहे हैं। कुछ नहीं आप योगी जी से संतुष्ट हैं? नहीं हम नहीं संतुष्ट हैं। नहीं है हम लोग अखिलेशवादी हैं भैया। तो वही बोलिए ना। बोल दिए, बोल तो दिए, अखिलेशवादी हम लोग। दादाजी बोलेंगे कुछ? बोलिए क्या बोल रहे। अच्छा बताइए योगी जी 4.5 साल हो गया उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री है, उनके कामकाज से आप खुश हैं? काहे नहीं खुश हैं। खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश हैं। अब की बार 2022 में फिर से योगी जी आवे, अच्छी बात है। हाँ आप किसको वोट करेंगे? रोटी देश को मोदी और प्रदेश को योगी की जरूरत है जी। ये दादाजी देखिए कितनी बड़ी बात बोल गए जी। भाई साहब आप युवा हैं, बोलिए कहाँ भाग रहे हैं? आपको रोजगार की जरूरत नहीं है, बोलिए। अखिलेश को वोट देंगे। अखिलेश को क्यों? अखिलेश को क्यों? अखिलेश का काम हर अच्छा लगता है। अखिलेश का काम अच्छा लगता है, योगी जी का काम नहीं अच्छा लग रहा? कोई काम अच्छा लगने लगता है। 4.5 साल में कुछ विकास हुआ? कोई विकास नहीं हुआ है। जुड़वाइए, बोलिए। मोदी का 5 साल में 5 काम जुड़वाइए कोई। आप तो अले इंटरव्यू लेने आए ना, 5 साल में 5 काम जुड़वाइए, क्या किया हो? बोले भैया क्या लग रहा है कर रहे हैं काम है नहीं किए हैं? बोले सही कर रहे हैं। क्या किए योगी जी? कुछ नहीं किए हैं। किए तो है, जहाँ किए वहाँ तो किए हैं, यहाँ क्या किए हैं? कुछ तो नहीं किए हैं। कुछ नहीं किए? कुछ नहीं। तो क्या आपकी 2022 में क्या कुछ हुआ? अभी भर्ती निकालना था बंद कर दिए, बताइए भर्ती निकालना था बंद कर दिए जी। आज के युवाओं को जरूरत सबसे बड़ा है रोजगार, वही बात है, भर्ती बंद हो गया, लड़के इधर उधर दौड़ रहे हैं, रोजगार का बहुत जरूरत है। कितना लड़के दौड़ेंगे बताइए? तो क्या 2022 में क्या मूड बन रहा है आपकी बार? अखिलेश आए? अखिलेश वो आएंगे तो भर्ती एकदम हो जाएगा। बोलिए हम क्या बोलो? अरे सुनो सुनो सुनो, अरे हम हमको, अरे 2022 में किसको सीएम बनाओगे? बोलो 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 बोलो। अखिलेश के? अखिलेश को कहें भाग रहे थे? अरे तो हम क्या भाग, हमको आज देखने के लिए आए, देखने के लिए। हाँ हाँ बोलो। बोला किसको वोट करेंगे अब की बार 2022 में? आपकी अखिलेश को वोट करेंगे। अखिलेश को? आप भैया अखिलेश? अखिलेश को? हाँ अखिलेश यादव जी। अखिलेश को क्यों? अखिलेश को क्यों? अखिलेश एक और भी है मायावती प्रियंका गांधी? नहीं नहीं हम अखिलेश को ही चाहते हैं, अखिलेश को ही चाहेंगे, और क्योंकि वो अच्छा काम किए हैं। काम है बड़ा साफ सुथरा कह देते बताओ। अच्छा योगी जी कुछ काम हम केहन? नहीं कुछ ना केहन। नहीं राशन उशन मिलत हो कि ना? कहा मिलल हम राशन ना मिलत? नहीं है नहीं। तो आपकी बार के वोट देबू 2022 में? अखिलेश है क्या वोट ना दे? ये तो लैटरिन हमें ना मिला भैया, वोट है ना दे? नहीं हम तो क्यों ना दे? नहीं केहू कोटवा दे तबे ना कुछ मिली? अब मिला चाहे भाड़ में सब जाए। अब ये सुने भैया हाँ हाँ भैया बोला। कहाँ घर आपका? कहाँ बताइए पहले। मेरा हथिया में। कहाँ? पलथी में। हाँ क्या परेशानी है पलथी में आपको? प्रधान जी से परेशानी है? काम हम राशन उशन नहीं दे रहे हैं? कॉलोनी शौचालय कुछ मिला आपको? ना कॉलोनी मिला ना राशन मिला था ना भैया लजरिंग मिला। हमारे लड़के उठाए बचाए हमें ऐसे हमारे भैया कुल्ला पिसाब ना कर पाता लजरिंग अच्छा ना दे। क्या हुआ आपको बच्चे? क्या हुआ लड़के? कोई दिक्कत है? काफी जम गया रहा सो। अच्छा अच्छा बीमार है वो? बीमार है बहुत। कौन है प्रधान जी आपके? प्रधान क्या नाम है? विनोद मौर्य है। कोई खटिक है? विनोद खटिक के भैया बोले से? विनोद सोनकर। विनोद सोनकर। अच्छा आप बताइए आप तो लिए समाजवादी का गमछा है, क्या लग रहा है आपकी बार फिर वोट करेंगे अखिलेश जी को? अरे हम अपनी मर्जी से करेंगे जो समय आएगा।
गमछवा लिया अखिलेश यादव वाला? अरे नहीं, पैसा खरीदे भैया 100 रुपए लगा के। अच्छा पैसा है? बात कर रहे हैं। तो और कोई गमछा ले लिए होते, कहा अखिलेश वाला? अरे क्या जरूरी है, लाल पियर तो पहन लेता। उन्हीं का गमछवा ही निशानी है तो उन्हीं का लग रहा है। कोई बात थोड़ी ना, भाई साहब पहने तो सब उधर पार्टी चले गए और सफेद पहने आप उधर चले गए। कहाँ चले गए? हमारी मर्जी, हमारी शौक है ये। अच्छा शौक है आपकी, चलिए ठीक है। बोलो भैया। अभी बोले दोबारा बोले। अगले सरकार बनेगी, कहेंगे मोदी जी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है? मोदी जी जो भी कर रहे हैं एकदम घटिया काम कर रहे हैं। हाँ आप देख लीजिए, अगले सरकार का मटिनगंज में है जो ब्लॉक बना है, फिर यहाँ क्या कहते हैं, गुटखा खा रहे हैं आप? गुटखा खा रहे हैं? गुटखा की तो बात छोड़िए, क्या गुटखा से आपको दिक्कत नहीं है? गुटखा से आपके योगी से तो देश को हानि होगी, प्रदेश को हानि होगी, और गुटखा से आपको हानि होगी। एक बात बताइए, मोदी जी क्यों गुटखा निकाल रहे हैं? मोदी जी क्यों गुटखा निकाल रहे हैं? आप खाना बंद कर दीजिए, गुटखा बंद हो जाएगा अपने आप। नहीं बंद होगा। काहे नहीं बंद होगा, जब खाएंगे तब? अरे बंद नहीं हो सकता। क्या भैया, क्या बोलिए? जैसे ये बता रहे हैं कि गुटखा ना खाएं, गुटखा बंद करवा दीजिए, ऐसे एक तो मोदी जी ने निकाला था प्लास्टिक बैन करवा दीजिए, तो गांव-गांव या दुकानों पे छापा मारने से अच्छा जो प्लास्टिक मतलब बनाती है जो कंपनी उसको ही बंद कर दिया जाए। आपका सर, और दुकानों पे छापा मारने से अच्छा वो जो जहाँ पे है वो जहाँ पे बनता प्लास्टिक उसको बंद कर दिया जाए। और ये जो कह रहे हैं आप गुटखा ना खाएं, अगर वो बंद हो जाएगा शायद हो सकता है कि कुछ परसेंट जनता ना खाए, लेकिन जैसे शराब यहाँ पे शराब ठीका है, बहुत से लोग शराब पीते हैं, कुछ लोगों को जबरदस्ती पिलाया जाता है, और यहाँ पे शराब ठीका खुला है, तो अगर इसको बंद करवा जाए हो सकता है कुछ परसेंट कमियाँ आ सकती हैं। कहने का मतलब आपका ये धूम्रपान वगैरह जो है, शराब जो है, इसकी बंदी अगर की जाए तब लोगों में सुधार आएगा? हाँ हाँ, कुछ ना कुछ सुधार आएगा। दादाजी बोलिए, बोलो बोलो। यहाँ पे हमारे आसपास में कितनी भीड़ इकट्ठा आप देख सकते हैं, हम लोगों की राय जानने की कोशिश कर रहे हैं, आखिर लोगों का रुझान किधर है, कौन सी पार्टी अब की बार उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनाएगी। दोस्तों हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिससे कि हम लोगों की आवाज़ बुलंद कर सकें, इन लोगों की आवाज़ हम पहुँचा सकें जहाँ पहुँचनी चाहिए सरकार तक, कि आखिर सरकार ने किया क्या अपने प्रदेश में, जो दावे करती है कि हमने बहुत विकास किया है, लेकिन ये यहाँ की जनता आप देख सकते हैं क्या मूड है इन लोगों का। हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।